क्लास. अब चलते हैं बेटा हमारे एक न्यू कंसेप्ट की ओर एंड द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज रिबेट. आपको पता होना चाहिए बेटा डिस्काउंट कमीशन और रिबेट इनमें फर्क क्या होता है. रिबेट बेटा तब दिया जाता है जब कोई अच्छे काम में आप और हम कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि अगर आप एक होममेड प्रोडक्ट लेते हो या आप कोई आदिवासी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के घर जाकर वहां से सामान लेते हो तो वो सामान खरीदने पर आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है. लेकिन उसे डिस्काउंट कहकर उन आदिवासियों का और उनके सामान का अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए रिबेट वर्ड लगाया है. रिबेट बेसिकली बेटा तब दिया जाता है जब हमें किसी चीज को या किसी ब्रांड को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना हो. जब स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो आपको क्या बोलते हैं, एक पर एक फ्री ले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो 500 रुपए का कैशबैक आ जाएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको मिलता है. इस तरीके से वो पहले अपना मार्केट बनाते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक बार जब उनका टारगेट फुलफिल हो जाता है तब वो प्राइस वसूल करते हैं. बट रिबेट में पूरा उल्टा होता है. रिबेट का मेन मकसद होता है बेटा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतने अच्छे से ब्रांडिंग करो कि लोग उसे खरीदने आए और जब लोग उसे खरीदने आए तो आप उनको एक टोकन ऑफ थैंक यू के रूप में कुछ पैसा रिटर्न कर देते हो. मान लो अगर आपका बिल बना होगा 1000 रुपए का और आपने वो 1000 रुपए का सामान एक वृद्धाश्रम से खरीदा जहां पर हमारे दादी दादा के एज के लोग काम करके कुछ सामान बनाते हैं, तो जब आप 1000 रुपए का बिल बनेगा तो वो वृद्धाश्रम वाले आपसे 1000 रुपीज नहीं लेंगे, आपसे 950 रुपीज लेंगे, 900 रुपीज लेंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं उनके काम आया और दूसरा आपको ऐसा लगेगा कि 1000 रुपए का सामान 900 में आया, तो आप और 2-3 लोगों को बताओगे और इस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है. तो रिबेट बेसिकली बेटा कोई अच्छे काम को रिवॉर्ड करने का एक सुंदर सा तरीका है और Q4 में वही काम होने जा रहा है. उमा ताई नाम की एक लेडी है जो एक खादी भंडार गई है. खादी इज नथिंग बट अ हैंड स्पन क्लॉथ, मतलब कि कापूस यानी कि कॉटन से जो धागा बनाया जाता है चरखा घुमाकर वो खादी कहलाता है. सो उस खादी भंडार में आप जब शॉपिंग करने जाओगे तो आपके टोटल बिल का 12% रिबेट कर दिया जाएगा. रिबेट मतलब माफ कर दिया जाएगा, आपको भरना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज आप बाकी सब दुकानों को छोड़कर खादी भंडार पर आए हो. सो नाउ लेट अस सी व्हाट उमा ताई इज सिलेक्टिंग फॉर हरसेल्फ और उनका बिल कितने का बनता है, बिल पर रिबेट कितने का आता है और उमा ताई कितने पैसे बचाती है. एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. जैसे उमा ताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार. फर्स्ट 3 साड़ीज 4 रुपीज 560 each. उन्होंने 3 साड़ी खरीदी है और 1 साड़ी की कीमत है 560. क्या लिखा है, रुपीज 560 each. ईच का मतलब होता है 1, करेक्ट. तो अब यहां पर बेटा हम मल्टीपल गिवन नहीं लिख सकते क्योंकि ये सम मल्टीपल लेयर्स में सॉल्व होगा. तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हम वैसे वैसे सॉल्विंग करते जाएंगे. फाइन बेटा, सो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग. वी विल राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 साड़ी इज इक्वल्स टू रुपीज 560. Therefore, cost price of
three sarees is equal to, अब बेटा आप छोटे बच्चे नहीं हो फिफ्थ में फोर्थ में या सिक्स्थ में कि मैं यहाँ पर पहले रुपीस लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा फिर 560 को 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। अब आप एट में हो और एट के बच्चे को स्टेटमेंट देख के पता चल जाना चाहिए कि 3 को 560 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वी विल राइट हियर रुपीस 560 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल गिव यू आंसर 1680। चेक कर लेना एक बार, अगर गलत है तो आपकी गलती से गलत हो सकता है बिकॉज आई विल मेक सर्टेन मिस्टेक्स। और मुझे रिपीट में मत बोलना सर आपके वीडियो से कॉपी किया था, मैंने बोला था कॉपी करने के लिए नहीं ना, मैथ्स दिमाग लगाने के लिए भी काम आएगा। सो वन थिंग इज क्लियर, उमा ताई ने 3 साड़ी खरीदी और तीनों साड़ी का टोटल बिल बनता है 1680। नेक्स्ट अगले काउंटर पे उमा ताई गई और वहां से उन्होंने 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर रुपीज 90 ईच खरीदा है। 90 ईच, ईच का मतलब होता है एक। सो अब हम लिखेंगे नाउ cost price of one honey bottle is equals to rupees 90, correct? Each का मतलब क्या होता है? One single 90। अब ऐसी कितनी बॉटलें उमा ताई खरीद के लाई है? 6। So the agla statement, the immediate statement will be cost price of 6 honey bottles is equals to rupees 90 multiplied by 6 is equals to rupees 540. Yes, correct? और अब उमा ताई को बिलिंग काउंटर पे पूछा गया, ताई आप और कुछ भी लेना पसंद करेंगे? ताई ने बोला बस that's it। तो अब क्या होगा बेटा, 3 साड़ी का अमाउंट और 6 बॉटल हनी के अमाउंट को प्लस कर दिया जाएगा, तब जाकर एक टोटल बिल जनरेट होगा। सो वी विल राइट हियर टोटल amount is equals to rupees 1680 plus rupees 540 which will give you rupees 2220, करेक्ट? तो अब जैसे उमा ताई अपना कार्ड निकाल रही थी या कैश निकाल रही थी, बिलिंग काउंटर पे जो बिल करने वाले XYZ पर्सन होंगे उन्होंने ताई को बोला, बोला ताई रुकिए आपको 2220 रुपया नहीं भरना है। तो ताई ने क्वेश्चन किया क्यों, लेकिन बिल तो 2220 का ही हुआ है। बोले नहीं, हमारे खादी भंडार का एक नियम है कि जो भी अमाउंट बनेगा बिल का उसका 12% रिबेट माफ कर दिया जाता है। तो ताई गॉट वेरी हैप्पी, बोले वाह मेरा बिल होता है 2220 रुपए का बट इसमें अब 12% रिबेट दिया जाएगा, दैट इज माफ कर दिया जाएगा। So let us calculate the amount of rebate. So we will write here now rate of rebate is equals to 12%. क्या उस बिलिंग काउंटर के बिलर ने बताया कि भाई आपको 12% का क्या दिया जाएगा रिबेट? सो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट।
So we will write here amount of rebate is equals to 12% of 2,220. Correct? और ये चीज बेटा डिस्काउंट एंड कमीशन के चैप्टर के पॉइंट्स टू रिमेम्बर के ठीक बाद लेट्स रिकॉल में हम लोगों ने की थी. अगर वो भी याद नहीं है तो स्टैंडर्ड 6% फाइंड द वैल्यू में हम लोगों ने की थी. और अगर वो भी याद नहीं है तो बेटा वीडियो बंद करो और मोबाइल बंद करके सो जाओ, बिकॉज अगर इतनी सी बात याद नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं है. फाइन, सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू. 12% कब बना होगा? जब उसके डिनोमिनेटर में होगा 100. सो वी विल राइट हियर 12/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई एंड व्हाट वी विल कॉपी नाउ 2,220. करेक्ट. देयर आफ्टर बेटा यूनिट प्लेस 0 एंड यूनिट प्लेस 0 कट. आपको ऊपर 12 और नीचे 10 दिखता है. लेट अस डिवाइड बाय 2. 2 6 2 5. यस. और अब क्या होगा? 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में 222 नहीं आता. तो सिंपल, 222 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट अ आंसर. This is the answer, that is 1332, that is 1332, and this will get divided by 5. So now I will write here 1332 divided by 5. अब अगर आप में से कोई ये बोलना चाहता है ना, सर ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 8 में को बैठना ही नहीं चाहिए. The reason, 6th standard से आपको decimal point लगाकर divide करना सिखा दिया गया था, 7th में operation on rational numbers में सिखाया था, और 8th में भी आपको सिखाया. तो अब आपको ये question ही नहीं करना है, just go to the rough column and divide. So let us divide it. फाइव के टेबल में 13 नहीं आता, सो 5 टू जा 10, 3 ब्रॉट डाउन. फाइव के टेबल में 33 नहीं आता, सो 6 जा 30, 2 ब्रॉट डाउन. फाइव के टेबल में 32 नहीं आता, सो 6 जा 30, 2. और याद करो दो क्वेश्चन पूछते थे हम लोग. Number one, is there any number to be brought down? Answer hai no. Aur dusra question, do you still have a remainder? Answer hai yes. Tab upar ek decimal point lagane ka aur yahan par lene ka ek zero. 5 4 20. So the correct answer is 5 1 2. So 266.2. अब इतना पैसा उमर ताई को भरना ही नहीं है. करेक्ट. सॉरी क्लास, देयर इज अ स्मॉल एरर. दिस इज 0.4 ना, सो यार 0.4 विल कम. एक्सट्रीमली सॉरी. Sorry for my mistake. अब इतना पैसा बेटा उमर ताई को नहीं भरना है, that is 266.4. इसको सीधी भाषा में रीड किया जाता है रुपीस 266 40 पैसा नहीं भरना है. यानी इतना पैसा उमर ताई ने बचा लिया, लेकिन भरना तो पड़ेगा ना. तो कितना भरना है, कैसे भरेंगे और किसको किससे माइनस करेंगे, वो
सब बेटा इसके अगले वीडियो में देखेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू.